सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले सभी परिवारों को साफ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है, जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के अखबार गांव के धैकार बस्ती में मीना देवी सहित 300 परिवारों को पानी न मिलने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या कल की है, कल हमारे पर यहाँ पर नहीं है और बहुत दिक्कत होता कल बदे हमें सबके पानी की बहुत दिक्कत बाटे। हम सब जाए थे तो बहुत दिक्कत हो जाते, खाना वाना बनाते रहते पानी होने के जाते बहुत दिक्कत होते। अब कल बाटे वहाँ बहुत कचड़ा रहा था, पानी भी साफ नहीं निकल। हम लोग यही चाहे था कि हम लोग के बस्ती में फिर से पाकल आवे चाहे। हमें हमारे बस्ती में सबसे बड़ा तो जो है कि पानी का समस्या है। हमारे यहाँ जो बस्ती में हैंडपम्प है, एक दो हैंडपम्प है बस्तियों के बीच में, जो है कि दोनों में कचरा पानी देता है। बाहर से पानी लाते हैं, उसमें कई बार हम लोग अप्लीकेशन डाले, प्रधान जी को वीडियो को दिए, लेकिन इसमें हमारे समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। और पानी की जब दिक्कत ज़्यादा समस्या आती है तो कभी कभी हमारे औरतें लोग बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ बच्चों को पानी पीने में तकलीफ होती है। हमारे गांव में समस्या है कि हैंडपाइप की ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ा भीड़ लग जाती है तो नहाने धोने का पानी पीने का दिक्कत होता है। नहाने धोने का भी समय हो जाता है तो हम लोग आते हैं पहाड़ी से काम करके, मेहनत मजदूरी नहा नहीं पाते हैं सोचे। तो आपने कहीं प्रयास किया? प्रयास तो हम लोग बहुत करते हैं, बाकी हम लोगों को गरीबों को कोई नहीं सुनता है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस बस्ती में नया हैंडपम्प लगे ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर है 9454641111 पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि इनके यहाँ हैंडपम्प लग सके। मैं अनीता भारती, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर से।